क्या नाम है आपका? सरिता तिवारी। आपके पति का नाम? दीपक तिवारी। कौन सा गांव है ये? चंदी गोविंद। हाँ हाँ। रानी जी। क्या समस्या है आपकी? जमीनी विवाद है, हमारी जमीन हमारे पड़ोस से। अच्छा, ये बगल में कौन है आपके? हमारी सास जी। कौन सी जमीन का विवाद है आपके? अच्छा, जो ये खपड़ैल मकान बना, ये किसका है? ये मेरा है। अच्छा, नीम का पेड़? नीम का पेड़ भी हमारा है। हाँ। छप्पर जी। तो आपके हाथ में क्या है ये? हाथ में हमारी डिग्री है और ये एसडीएम साहब आदेश भी दिए हैं जी, लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई। तो रानीगंज थाने से कोई पुलिस वाला आया था? नहीं, हमने बहुत एप्लीकेशन दी और फोन भी किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक कोई नहीं है पुलिस वाला यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आया। तो शासन पर शासन प्रशासन से क्या मांग है आपकी? यही कि हमारा हक दिलवाया जाए, हमें न्याय मिले। तो कौन कौन लोग प्रताड़ित करते हैं आपको? ये हमारे राम कुमार तिवारी पड़ोसी हैं, उन्हीं से हमारा विवाद चल रहा है। वो गुंडा बदमाश बुलाते हैं, बाहरी मुसलमान वगैरह, और यहाँ गंदा गंदा गाली देते हैं। अच्छा। और हमारी सास को बोलते हैं कि तुम्हारा गला दबा के मार डाले। कौन कहता है? ये राम कुमार तिवारी और उनके दो बच्चे हैं, संदीप कुमार, शिव कुमार। तो आपका कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है? नहीं। तो प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? यही कि हमारा जो है डिग्री हुआ है जी, और हमारा कब्जा दिलाया जाए जी। इसके बगल में ये घर है, ये किसका है? ये हमारा मकान है। तो अभी अधूरा बना है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें ये दिक्कत है कि अगर हम मकान बनाते हैं, हमारे पास रहने की जगह नहीं है, तो ये दीवार खड़ी कर रहे हैं, हमारा रास्ता भी, हमारी काम। अच्छा, पट्टीदार लोग बनाने नहीं दे रहे हैं ये भी? हाँ, पट्टीदार लोग बनाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग रहते कहाँ हैं? ये मकान है, इसमें रहते। अच्छा, जो ये जर्जर अवस्था में मकान है? हाँ, इसमें भी लेंटर वेंटर टूट गया है, पानी टपक रहा है जी।